जो मकर राशि वाले जातक हैं, आज आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आज जितना मध्यम मार्ग अपनाएंगे उतनी आपकी लक्ष्य रहेगा। न्यायालय में आज आपको विजयश्री मिलेगी, पत्नी का सहयोग मिलेगा, नए व्यापार से लाभ मिल सकता है। और आज जो धनु जो मकर राशि के जातक हैं, आपके लग्न में केतु और मंगल है, तो आज आपको थोड़ा गुस्से से बचना है, आक्रोश में आके कोई कार्य नहीं करना है, सावधानी बरतनी है। और आपके 12वें शनि है, तो आय से अधिक व्यय हो सकता है, इसकी दिक्कतें आ सकती हैं आपको। और बृहस्पति शुक्र चंद्रमा दशम भाव में, तो पिता से सहयोग मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा, आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, आपको ढेर सारे लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है, 7वीं दृष्टि 4th हाउस पर है, तो आज आपके नया व्यापार कर सकते हैं, माता का सुख मिलेगा, नौकर बढ़ेंगे, और कोई नया बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे हैं गाड़ी खरीदने की, तो गाड़ी भी खरीद सकते हैं, कोई नया व्यापार कर सकते हैं, इस तरह की संभावना बन रही है। 9वीं दृष्टि शत्रु भाव पर है, तो आज आपके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, और गजकेसरी योग बन रहा था, आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, आपको नाम होगा, यश प्रतिष्ठा मिलेगी। और गजकेसरी योग से क्या होता है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसको काफ़ी यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, सामाजिक उसकी एक पहचान बनती है। सावधानी क्या बरतें, सावधानी बरतें कि अपने व्यवहार से किसी को दुखी न करें। उपाय क्या करना, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा, काला वस्त्र दान करें। और आपके लिए शुभ अंक 8 है, शुभ रंग काला है, लक मीटर 6 है। हरे कृष्ण।